नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको 2 BHK फ्लैट में फर्नीचर का काम करवाने में कितना खर्चा आता है, अभी ये लेटेस्ट काम करवाया है, ये पूरी डिटेल में इसमें दूंगा। जैसे ये किचन का फर्नीचर बनाने में कितना खर्चा आता है, ये चिमनी क्या रेट में मिलती है, इसका चूल्हा है वो क्या रेट में मिलता है, और ये अगर आप ये काम करवाते हैं, जैसे ये पूरा फर्नीचर हो गया, ये फर्नीचर और इसके साथ में 2 वार्डरोब्स और बेड ये बना है, इसमें कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, और एक साइड में और ये देखिए ये रूम, ये टीवी कैबिनेट भी अभी बनाया, और ये देखिए ये बेड वार्डरोब्स ये सब बनाने में कितना खर्चा आया, ये डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चालू करते हैं किचन से। देखिए किचन जो आप देख रहे हैं, ये किचन में अर्केलिक सीट इसमें यूज हुई है और 4 सीटें इसमें लगी है। 4 सीटों में देखिए ये पूरा काम हुआ है, 4 सीटों में। एक सीट लगभग 6,000 रुपये की थी, तो 24,000 रुपये का तो ये सीट लगा इसमें। और ये चिमनी जो देख रहे हैं, चिमनी और इसके साथ में चूल्हा था, चिमनी ये लगभग 36,000 रुपये की ये चिमनी थी, तो ये अपने 15 अगस्त के ऑफर में ये 28,000 रुपये में ये चिमनी परचेज की है ये, और इसके साथ में चूल्हा और सभी मिला के ये 36,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई थी। चूल्हा और चिमनी ये दोनों मिला के 36,000 रुपये में ये लिया था। अब देखिए इसमें जो हैंडल है, ये हैंडल ये देखिए प्रोफाइल हैंडल ये पूरा, इसमें पूरी ये लेंथ आती है, 10 फिट भी आती है, कहीं किसी किसी में 12 फिट भी आती है। तो एक जो इसमें 4 लेंथ इसमें लगा है, तो इसका जो रेट था 1200 रुपये एक पट्टी का था, तो 4 इसमें लगे हैं ये, तो 48 यानी 5,000 रुपये इसमें हो गए। अब देखिए, अब ये देखिए ये पूरा, ये देखिए पूरा एक, और ये देखिए वाश बेसिन के नीचे का देख लीजिए, ये पूरा मार्बल में किचन बनाया हुआ देख सकते हैं आप पूरा, और उस पे ऊपर फर्नीचर लगाया हुआ है, और ये देखिए पूरा ये इसमें 3 लगे हैं। अगर हम इसका खर्चा निकालना चाहें तो इसका लगभग कोई भी ट्रॉली या बास्केट हम बनाते हैं तो उसमें लगभग 3,000 रुपये का एक का खर्चा आया इसमें ये। अब ये देखिए ये साइड में, ये सभी प्लान से ही पहले बनाया हुआ है ताकि ये रेडीमेड ये मेजरमेंट के मिल सकें ये पूरा। ये देखिए पूरा ये, और हमारे राजस्थान में क्या सर्दी बहुत पड़ती है, तो इसके लिए गीजर का भी पॉइंट है वहां पे। देखिए वो जो पॉइंट जा रहा है, एक तो चिमनी का जा रहा है और एक गीजर का भी उसमें साथ साथ में वहीं से जा रहा है पॉइंट। अब ये भी देख सकते हैं पूरा, ये पूरा ओपन रख रखा है। अगर अब हम किचन की बात करें, देखिए इसमें तो इस किचन को बनाने के लिए पूरा जो खर्चा हुआ है, लेबर सभी मिला के 1,50,000 रुपये इसमें, 1.5 लाख का ये मटेरियल ये सभी इसमें लगा है, और टोटल घर में 4 लाख का ये पूरा मटेरियल खरीदा था, ये पूरा प्लाईवुड, अर्केलिक सीट, ये हैंडल। और अब इसमें देखिए 4 लाख में मटेरियल में क्या क्या बना है, एक तो ये टीवी कैबिनेट बना पूरा, ये देख सकते हैं टीवी कैबिनेट, और उसके साथ साथ में ये देखिए पूरा ये पूरा फर्नीचर, ये बेड और ऊपर का ये फर्नीचर, ये ड्रेसिंग, वार्डरोब्स, एक ही आइटम हो गया एक बेडरूम का ये, और देखिए एक बेडरूम का ये आप देख सकते हैं पूरा, ये फर्नीचर बनवाया था। इसमें देखिए यहाँ पे ग्लास और आएगा अभी, और इसमें देखिए सीटिंग भी है ये पूरा, यहाँ पे भी गद्दा लगाना बाकी है। ये देखिए पूरा ड्रॉवर भी देख सकते हैं पूरा, ये ड्रॉवर, और ये देखिए वार्डरोब्स, ये मैट फिनिश में है, ये देखिए पूरा।
एक ये डीएनवी आप देख सकते हैं, और इसके नीचे में देखिए बेडरूम के बेड के नीचे में एलईडी लाइट लगवाई हुई है। अगर आप दूर से देखेंगे देखिए इसका अलग ही लुक आएगा, और इसमें भी आप चाहें तो अलग कलर के भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो टोटल मिला के इसमें आप विद मटेरियल जो कॉस्ट आई है, लेबर कॉस्ट जो आई थी 1,80,000 रुपये लेबर के हुए थे इसमें, और 4,00,000 की ये पूरा ये फर्नीचर का आइटम आया था, और एसेसरी सभी मिला के इसमें कुल 6,00,000 रुपये का खर्चा हुआ है। अगर आप भी दो बेड, दो वार्डरोब्स और एक टीवी कैबिनेट और किचन का अगर काम करवाते हैं तो उसमें लगभग आपका 6,00,000 का खर्चा आएगा, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।